परम विदुषी ज्ञान पूर्ण की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री स्वस्ति भूषण गुरु मात की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिन वाणी के प्रतिरूप की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री स्वस्ति भूषण गुरु मात की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रदेश के छिंदवाड़ा से लगा है सिवनी ग्राम, मोतीलाल पितु पुष्पा माँ के घर जन्मी संतान। सपने में ही पुष्पा माँ को हुआ था दुर्लभ भान, गर्भ से उनके जन्मेगी इकवातम शुद्ध महान। कार्तिक कृष्णा सप्त तिथि को हुई धवल किलकार, एक नवंबर सन 69 का दिन था शनिवार। रानी अनीता बहने थी और भ्राता हुए मनीष, स्वयं संगीता द्वितीय बेटी स्थाना द्वितीय विशेष। अब पूर्व जन्म के संस्कारों का हाल बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। घर का नाम पड़ा पर गुड़िया ना भाई, 3 वर्ष की बाल उम्र समेत शिखर आई। एक दिन अपने नगर में देखी आर्य का दीक्षा, उस दिन से प्रारंभ करी निज घर से जिन शिक्षा। बचपन से ही बड़ी चपल और सोच प्रबल उन्नत, लौकिक विद्या पूरी की और विषय भी था संस्कृत। सिवनी के ही बड़े बाबा पारस में लगी लगन, पिता की उंगली थाम जाती मंदिर में होके मगन। वैरागी पथ पर चलने के संस्कार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वर्ष की अल्पायु में जगा इन्हें वैराग्य, पुष्प दंतुआचार्य श्री ने जागृत किया सौभाग्य। 5 साल के ब्रह्मचर्य का दिया शुभाशीर्वाद, चलने को मुक्ति पथ पर कर दिया शंख का नाग। आचार्य श्री विद्या सागर जी के पाए जब दर्शन, ब्रह्मचर्य के व्रत को बढ़ाने की उठी तड़पन। मन की आकुलता को मुनिवर ने झट जान लिया, दो
ब्रह्मचर्य का शुभ आशीष दिया। दीक्षा दाता से संगम का दृष्टांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिवनी ग्राम जो आए विद्याभूषण, हर घर में त्योहार मना हो मानो पर्युषण। दर्श किए गुरु सन्मति के और मन ने ध्यान दिया, संगीता ने निज गुरु को पल में पहचान लिया। हाथ में श्रीफल थाम चली और गुरु को विनय किया, संगीता के भावों को भाप लिया। आचार्य सन्मति सागर जी ने किया परम उपकार, आजीवन के ब्रह्मचर्य को कर लो अंगीकार। अब दीक्षा के संस्कारों का वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुंदर दृश्य, बग्घी पर संगीता बैठी, शर्त भी रखी विशिष्ट। हिंसा ना हो घोड़े पर, चालक को स्पष्ट बताया, आगे बढ़ने से पहले चाबुक का त्याग कराया। 24 जनवरी सन 96 इटावा धन्य हुआ, सन्मति सागर ऋषिवर ने दुनिया को रत्न दिया। स्वस्ति भूषण नाम की लग गई नभ भेदी जयकार, स्वस्ति भूषण गुरु चरणों में करती मंगलाचार। अब जिन दीक्षा के बाद का वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिंधु के आदेशों को शीश लगाया, चिंतन सुमिरन लेखन में गुरु माने चित रमाया। साहित्यों की रचना में वो गुरु की छाया जैसी, बड़े गांव में गुरुवर ने पुकारा परम विदुषी। कुछ शास्त्रों को 40 को क्षण भर में ही रचाया, 100 से अधिक साहित्यों की रचना को उपलब्ध कराया। भक्तामर जी को सरल किया, श्री आदिनाथ को ध्याया, 121 बार शिखर सम्मेद का भ्रमण लगाया।
अब शुभ भावों के शुभ कार्यों की बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक दिन बैठे गुरु माँ को जग हित का भाव थवाया, आस पास में रहने वाले जैन बंधु को बुलाया, उनको बोला भक्ता मर्जी में विश्वास करो तुम, हर एक माह में एक सदस्य के घर पर पाठ करो तुम, 12 लोगों के समूह को एकजुट करवाया, शुभ भावों से बने समूह को शुभ कामना बुलाया, घर परिवार में पाठ हुए नित धर्म का आनंद आया, सारे देश को शुभ कामना का भाव समझ तब आया। अब गुरु माँ द्वारा दी प्रेरणा सहर्ष बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को स्वस्ति बनते देखे मात पिता, जन्मदाता लघुता कर मांगे दे दो निज समता, समता पाने का गुरु माने द्वार वैराग्य बताया, मात पिता ने छोड़ गृहस्थी ब्रह्मचर्य अपनाया, माँ स्वस्ति के शुभ वचनों में मिले ज्ञान भंडार, श्रावक श्राविका के मन में खिल उठे धर्म सुविचार, पद विहार ने पूर्ण किए किलोमीटर 36,000, हर चौमासे से जुड़ता गया जन का समूह अपार। अब आगे की चर्चा करने जहाजपुर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से मंगल विहार 2013 में पहुंची माँ मेवाड़ के द्वार, जहाजपुर में सिद्ध चक्र का बड़ा विधान कराया, अभी और अतिशय होंगे यह ग्राम में सबको बताया, मुनि सुव्रत जी भू से प्रगटे वीर जयंती पर, जिला प्रशासन की नजरें अटकी जिन प्रतिमा पर, ग्रामवासियों ने जाकर गुरु माँ को वृतांत सुनाया, गुरु माँ ने श्रुत पंचमी पर फिर प्रतिमा को पाया, स्वस्ति धाम जहाज मंदिर की यश गाथा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री स्वस्ति भूषण गुरु माँ की।
सागर से तिरने है तू दिया दिव्य उपदेश। जहाज मंदिर बने निराला जिसमें जुड़ गया देश। सब संतों ने गुरु माँ के इस कार्य को बड़ा सराहा। मुनि सुव्रत प्रभु को एकटक हर व्यक्ति ने निहारा। सतत प्रयासों से गुरु माँ के मंदिर बना निराला। पंच कल्याणक हुआ तुल्य कोई होड़ न करने वाला। आचार्य ज्ञान सागर जी ने मंगल सानिध्य दिया। पंच कल्याणक पूर्ण हुआ फिर गढ़नी पद भी दिया। वात्सल्य मूर्ति गुरु माँ है और मन में है बड़ा महत्व। हर मनुष्य को समझाती थोड़े में बड़ा महत्व। युग प्रवर्तिका ज्ञान साधिका युग की शिरोमणि। चिंतन में जिनके रहते शांति सागर क्षानी। गुरु माँ स्वस्ति भूषण चरणों सर्वस्व लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जिन धर्म का भूषण।